सेना में अपनी अपनी सवाल करती है, कौन जोधा कहाँ है, दोनों सेना आपस में अपनी अपनी सेना को संभाल रहे हैं। उधर व्यापक ब्रह्म यजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा पूछ करुणा करे। अरे मेरे प्यारे भाइयों, संध्या का समय हो चुका है, सभी सेना वापस आ गई है। अभी तक भैया लक्ष्मण लौट कर नहीं आए हैं, ऐसा क्या हो गया है जो हमें लक्ष्मण भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं? बताओ भाइयों, लक्ष्मण और हनुमान कहाँ हैं? तब लगे ले आए हनुमाना, दुखमा। अरे हनुमान, मेरे भाई को क्या हुआ है जो मेरा भाई सदैव मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था, आज वो ऐसे सो रहा है? अरे हनुमान बताओ, मेरे भाई को क्या हुआ है? प्रभु, लगता के राक्षस राज लंकाधिपति रावण के ज्येष्ठ पुत्र खन्नाट के द्वारा भगवान भैया लक्ष्मण को शक्ति का आघात हुआ है, इसलिए भैया अचेत अवस्था में है। प्रभु, नहीं हनुमान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हनुमान, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भैया लक्ष्मण को उसके हृदय को चुभो दे। हे हनुमान, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मेरे भाई को शक्तिहीन कर दिया है? लक्ष्मण, क्या हो गया है भाई तुम्हें? हे हनुमत, सच सच बता, और क्या हुआ मम ब्रात को जब लौट अवध को जाऊंगा, क्या भेद दूं मम मात को? हे हनुमान, क्या तुम ये सत्य कह रहे हो हनुमान कि लक्ष्मण को किसी शक्ति ने शक्तिहीन कर दिया है? हनुमान, हे हनुमान, मैं सत्य कहता हूँ, मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म शक्ति का प्रहार हुआ है और भैया लक्ष्मण ने ब्रह्म शक्ति का आदर करते हुए अपना धनुष रख दिया था और कहा था, प्रभु कहे ब्रह्मा जी आपका सम्मान है। इतने में उस दुराचारी घनराज ने भैया लक्ष्मण पर आघात कर दी। प्रभु, नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मुझे अकेला छोड़ कर भैया नहीं जा सकते हो। इहे करता कैसी भई, और छोटा वज्र करार तेरे दिन भैया मेरे, सुनाब पड़ी मजदार। नहीं भैया, नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हो। लक्ष्मण, कि नैन खोले नहीं, मुख से बोले नहीं, मेरे नैनों के प्यारे को क्या हो गया? नैन खोलो लखन, उठ के बोलो ललन, तुझको क्या हो गया, तुझको क्या हो गया? नहीं, नहीं,
मुख से बोले नहीं, मेरे नैनों के प्यारे को क्या हो गया, नैन बोलो लखन उठ के बोलो लखन तुझको क्या हो गया, तुझको अरे भैया लक्ष्मण तुम ऐसे सो रहे हो, अगर मैं ये जानता तो मैं कदापि तुम्हें युद्ध के लिए नहीं भेजता भैया। कि कहां पे लगो है तेरे तीर हो, कहां पे लगो है तेरे तीर हो, बोलो बोलो इस दिन का पति, बोलो
भाई हो, बताओ मेरे भाई को क्या हुआ है। हे भाई हो, बिना लक्ष्मण के मैं अयोध्या को नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जाम वैंत का बेद सुखेना लंका रही है तू पठे नहीं है प्रभु। लंका में एक शिखेन नाम का भेद रहता है प्रभु, किसी को भेज कर उसे शीघ्र बुलवा जाए तो अच्छा है प्रभु। शत्रु के नगर है, आप किसी को भेज दो प्रभु। हे हनुमान। हाँ प्रभु। तुम्हारे सिवा ये कार्य और कौन कर सकता है हनुमान। हे भगवान, आप चिंता न करें प्रभु, आपके आदेश के लिए मैं खामोश रहता हूँ। भगवान आप आदेश करो तो भेद सुसैन क्या, मैं लंका नगरी को ही मिले हूँ। आज ही इस युद्ध को समाप्त कर दूं। हे प्रभु, आप ठहरिए, पलक झपकते ही मैं भेद सुसैन को लेकर आता हूँ। आप घबराओ मत, आपको भी उद्धार का वक्त आ गया है। आप डरो मत, आप रामदल में हो और हमारे प्रभु के यहाँ कभी अन्याय और अनीत नहीं होती, आपको कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। अनुज भ्राता लक्ष्मण के मेघनाथ के द्वारा शक्ति का आघात हुआ है, इसलिए आपको उपचार हेतु आए हैं। वही तो हम सोच रहे हैं, हम तो अपने घरों सो रहे हैं, मुझे पनरिया कंत दिखाई दे गई। ठीक है, चलो चलते हैं तुम्हारे। हाँ प्रेमी सज्जनों, चलते हुए प्रसंग पर कुछ दानदाताओं की सूची है। 2100 रुपए जागेश्वर सिंह पूर्व फौजी बड़ी बैखर मंडल को, 100 रुपए अर्जुन सिंह बड़ी बैखर मंडल को, 50 रुपए जुगल किशोर सिंह गड़ेर मंडल को, 50 रुपए सुखपाल सिंह ग्राम गड़ेर मंडल को, 50 रुपए सिंबू सिंह ग्राम रतनपुरा मंडल को, 100 रुपए मुन्नी सिंह डाड़े वाले
ग्राम भनावली मंडल को 100 रुपए, रविंद्र सिंह बड़ीबाकर मंडल को 100 रुपए, राम प्रकाश सिंह फौजी छोटी बाकर मंडल को 100 रुपए, चतुर सिंह सुगलपुरा मंडल को 50 रुपए, राजू सिंह तोमर छोटी बाकर लक्ष्मण के पाठ पर 50 रुपए, जसवंत सिंह छोटी बाकर राम के पाठ पर 50 रुपए, वीर बहादुर सिंह बड़ी बाकर मंडल को। ये सभी दानदाता हमारे रामलीला मंडल को दान स्वरूप देते हैं और हमारा रामलीला कला मंडल सभी दानदाताओं को हार्दिक धन्यवाद देता है। बोल श्री राम चंद्र की। वेदराज कहो, देखो वेदराज मेरे भाई को क्या हुआ है, तनिक वेदराज इसकी नब्ज देखो, मेरा भाई ऐसे क्यों सो रहा है। अरे भाई, एक तो तुम मुझे चोरी की भांति से उठा कर लाए हो और फिर बोलते हो कि मेरे भाई को देखो, तुमको पता नहीं कि मैं बेटे दसानन के घर का और किस तरह आपका काम करो कि अनुचित होगा यदि और बेरी को के जिसमें प्रति अच्छे बुराई हो कि हे राम आज्ञा और तो मुझको किस तरह धर्म किया जाए। का बैठ हूं और मैं यह धर्म नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मेरा खाना पीना ही बंद कर दे और बिना मौत के ही मार दे। वेदराज, यदि आप धर्म और अधर्म की बात कर रहे हो वेदराज, कि जिस धर्म हेतु निज राज गया मरण हुआ, जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ। Thank you.
प्रभु, अगर आप धर्म और अधर्म की बात कर रहे हो तो सुनो देवराज, कि हर चीज इस जगत में, कि हर चीज इस जगत में और कुर्बान धर्म पर है, तन और संपदा क्या जी जान धर्म पर है। शत्रु नहीं होता है वेदराज, वेद का शत्रु रोग होता है वेदराज।